हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस शोभना समर्थ का जन्म 17 नवंबर 1916 में मुंबई में हुआ था। लंबे समय तक फिल्मों में एक्टिंग करने वाली शोभना डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी थी। 1935 में मराठी फिल्म निगाहें नफरत से अपने करियर की शुरुआत करने वाली बला की खूबसूरत एक्ट्रेस ने 50 के दशक तक लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले किया। बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस की दो बेटियां नूतन और तनुजा ने भी शानदार फिल्मी करियर बनाया और अब तो इनके बच्चे भी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर कलाकार हैं। 30 के दशक में फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाली शोभना समर्थ को 1943 में आई फिल्म राम राज्य में सीता के रोल के लिए याद किया जाता है। ये आप क्या कर रही हैं? नहीं नहीं, ऋषि कन्या हमारे लिए सर्वदा पूज्य है। 1997 में एक्ट्रेस को फिल्मफेयर के स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। शोभना ने डायरेक्टर कुमार सेन समर्थ से शादी की थी। शोभना और कुमार सेन के 4 बच्चे हुए, जिसमें नूतन और तनुजा किसी पहचान की मोहताज नहीं है। इतना ही नहीं, अब तो नूतन के बेटे मोहनीश बहल और तनुजा की बेटियां काजोल और तनीषा भी फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम है। शोभना समर्थ ने अपनी सबसे बड़ी बेटी नूतन को बतौर बाल कलाकार फिल्म नल दमयंती से उतारा था। 50 से 60 के दशक में अपनी खूबसूरती से सबको दीवाना बनाने वाली नूतन को उनकी सादगी भरे अभिनय के लिए आज भी याद किया जाता है। अपनी माँ के बेहद करीब रहने वाली नूतन के फिल्मी करियर को संवारने में माँ शोभना का बड़ा हाथ था, लेकिन इसी माँ से एक वक्त ऐसी तलखी हुई कि माँ बेटी ने कई सालों तक एक दूसरे से बात तक नहीं की। यही नहीं, नूतन कोर्ट तक अपनी माँ को घसीट ले गई थी। शोभना समर्थ ने अपने प्रोडक्शन हाउस शोभना पिक्चर से बॉलीवुड में नूतन को लॉन्च किया था। इस प्रोडक्शन हाउस में नूतन भी हिस्सेदार थी। नूतन की फिल्मी कमाई का सारा पैसा कंपनी में ही जाता था। प्रोडक्शन हाउस के सारे फाइनेंशियल मामले शोभना खुद ही हैंडल करती थी। हर माँ बेटी के रिश्ते की तरह नूतन भी अपनी माँ पर आँख मूंद कर भरोसा करती। भरोसे की ये दीवार तब भरभरा कर गिर पड़ी जब इनकम टैक्स ऑफिस से टैक्स चुकाने के लिए घर पर नोटिस आया। इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आने पर शोभना ने नूतन से पैसे भरने को कहा। इस पर नूतन ने कहा कि कंपनी में वो सिर्फ 30% प्रॉफिट की हिस्सेदार है, तो अपने हिस्से के टैक्स भरने के लिए वो तैयार है, बाकी आप भरिए। पूरा टैक्स भरने के लिए नूतन कतई तैयार नहीं थी। वहीं शोभना समर्थ भी जिद पर अड़ गई और टैक्स के लिए कोई प्रॉपर्टी बेचने के हक में नहीं थी। नूतन को भी लगा कि माँ को बेटी से ज़्यादा प्रॉपर्टी की चिंता है, तो घर छोड़ दिया। माँ बेटी का रिश्ता इस वक्त ऐसा बिगड़ा कि मामला कोर्ट कचहरी तक जा पहुँचा। कहते हैं कि बाद में भले ही दोनों का रिश्ता सुधर गया था, लेकिन माँ बेटी के झगड़े के किस्से उन दिनों काफ़ी सुर्खियों में रहे। और यही वजह है कि नूतन का अपनी बहन तनुजा से भी रिश्ता कुछ खास अच्छा नहीं रहा।